मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस, आज आप व्लॉग में बहुत ही अलग देखने वाले हो। मतलब जो चीज मैं आज तक कभी दिखाया नहीं था वो आपको दिखाने वाला हूँ। हमारे सोने वाले भाई साहब आज नाचने वाले हैं। डांस कॉम्पिटिशन कल है, लेकिन उससे पहले आज एक फाइनल राउंड है जिसमें सिलेक्शन होएगा। और ये अंदर का लोकेशन है, ये कुछ यहाँ पे बनाया है, मतलब ये भी डेमो बनाया है। देन यहाँ पे ताजमहल भी है, आगरा जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे हमें ताजमहल दिख रहा है। और भी बहुत कुछ है, यहाँ भी डांसर कुछ बैठे हैं। बहुत हार्डवर्क करने वाले डांसर बैठे हैं यहाँ पे, चिकने होके वही यहाँ पे, समझ गया ना, बाकी सबके सब चिकने हो गए एकदम। देखो कैसे चिकने चेहरे दिख रहे हैं। तो जरा देखिए, बहुत लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, मतलब केरला से भी आए हैं, गुजरात से भी आए हैं, भुवनेश्वर से भी आए हैं, और यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। सो देखिए बॉयस लोग यहाँ पे फुल एनर्जी में रेडी हो रहे हैं, कॉस्ट्यूम एकदम नया, एवरीथिंग नया। तो बहुत सालों के बाद इतना खर्चा किया है, बिकॉज ऑफ इस प्रोग्राम में अगर सिलेक्ट हो गए तो रेमो सर के सामने डांस करने का मौका मिलेगा इन सभी को। अंदर आ गए हैं, अंदर आते आते एक सीन होने वाला था, मतलब कि यहाँ पे आने के लिए मैं डायरेक्ट ऐसे उठ के नहीं आ गया। मतलब कुछ यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि कितने लोग आ सकते, बिकॉज ऑफ ये फाइनल शो नहीं है, फाइनल शो इसके एक दिन बाद है। आज जो है, मतलब कह लो कि एक फाइनल रिहर्सल है कि आज जो सिलेक्ट होंगे वो कल रेमो सर के सामने डांस करेंगे। सो देखो यहाँ पे सब बैठे हैं मजे से, और भी बहुत सारे बच्चे लोग आ रहे हैं। स्टेज पे तुम लोग जाओगे तो स्टेज फिर भरा भरा दिखेगा ना, अभी खाली है स्टेज, काम चल रहा है यहाँ पे सब। यहाँ पे एक एक कचेरा जो है हरा हो जाएगा, और ये लोग क्या लगेंगे फिर, अभी नहीं। हरे वाले में कौन सा विलन है, देख वहाँ पे एक और विलन दिख गया वहाँ पे। वाह, ऑलमोस्ट पेंटिंग वाले बहुत लोग हैं यार, और धीरे धीरे स्टेडियम भरता जा रहा है। देखिए कितना प्यारा कलरफुल लग रहा है, और स्टेज भी यहाँ पे क्लीन हो रहा है। यहाँ पे सब अच्छे हो चुका है और प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ पे सारे बच्चे रेडी हो गए डांस के लिए, और एक चीज मुझे अभी पता चला, ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें इंडिया के 60 ग्रुप तो यहाँ पे एक एक करके ग्रुप आ रहा है। कॉपीराइट की वजह से मैं आपको पूरा दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक लाइट वाले का प्रॉब्लम हो गया, बीच उसका लाइट का लगता है कुछ तो सिस्टम उड़ गया, तो लाइट नहीं जल पा रहा है, और सामने से डांस भी ठीक से नहीं दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। और भाई देखो दिल की धड़कने तेज हो रही है, तुम लोग से ज्यादा मेरी दिल की धड़कने तेज हो रही है। देखते टाइम यहाँ पे 7:30 हो गया, और बैक टू बैक मतलब 23 डांस हो चुका है। हाँ चाहेंगे तो फाइनली ये चैंग का डांस है, आप लोग भी देखो बिना म्यूजिक के, और म्यूजिक पे ओ हो चैंग, वो देखो क्या बात है, चैंग को बेटी देखो वहाँ पे बना रहा है, वहाँ पे कुछ रख रहा है उसके अंदर, बंदे लोग खड़े यहाँ पे, क्या बात है भाई, क्या बात है। ऑल द बेस्ट चैंग, ऑल द बेस्ट। तो सभी का एक एक का नाम लिया जा रहा है, तो ये लोग कल फाइनल में डांस करेंगे। अरे वाह वाह, ये तो हमारे बाजू में थे भाई, इनका नाम आ गया, ये भाई बाजू वाले गए। ओके, ये हमारे बाजू में बैठे थे, छत्तीसगढ़ से शायद से ये। ओहो, एक एक का नाम ले रहे हैं।
ओके और सब स्टेज पे कैन वी हैव रेनबो डांस क्रू ऑन स्टेज रेनबो वाओ ये भी हमारे डांस क्रू ओके वाओ वो डायरेक्टली आ रहे हैं कूल अल्केमी डांस क्रू विजन डांस क्रू ओहो हो क्या बात है लास्ट क्रू मैं बोल देता हमारा ग्रुप तो नजदीक से ही था लेकिन यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से ग्रुप आया था भाई ऑल ओवर इंडिया से ग्रुप कोरियोग्राफर वहाँ पे आराम से सो रहे हैं थोड़े से टेंशन में हैं और यहाँ पे हमारे डांसर भी देखो एकदम आराम से निराव है लाइफ में कह सकते कि लॉकडाउन के बाद पिछले 2 साल के बाद पहला कॉम्पिटिशन था क्योंकि बहुत तगड़ा था ऑल ओवर इंडिया से डांसर्स आए थे हर स्टेट से डांसर थे बस नाम ले लेता हूँ बिहार से एक भी नाम सुनने मिला नहीं कश्मीर और लद्दाख साइड से नाम सुनने मिला नहीं कोलकाता भी साइड से कोई थे नहीं बाकी ऑल ओवर सब साइड से आए थे डांसर लोग तो इनका नाम तो आया नहीं टॉप 25 में 60 में से आज 25 लोगों को 25 ग्रुप को सिलेक्ट करना था तो इनका आया नहीं लेकिन मौका मिला कि 200 लोगों का कुछ आया था वीडियो उनमें से इनका वीडियो सिलेक्ट हुआ था इस डांस के लिए तो वो बड़ी बात है कि उसमें सिलेक्ट हुआ परफॉर्म करने का मौका मिला अब कल आएंगे ये डांस देखने के लिए लेकिन हम किसी और काम में बिजी रहेंगे अपने शूटिंग वाले काम में लेकिन कोशिश करेंगे कि हम भी आए मेरे फोन का बैटरी खत्म हो गया तो थैंक गॉड कि ये सिस्टम है कि मैं इसे चार्ज कर रहा हूँ मेरा फोन बड़े आसान तरीके से चार्ज हो रहा है तो यार टाइम देखो यार 4:05 और हमारे सभी डांसर देखो यहाँ पे अपने लाइफ में कह सकते हो पहला इनका डांस कंपटीशन था लेकिन हार्ड कंपटीशन था सो बहुत कुछ सीख के आज हम जा रहे हैं वापस अपने घर पे जो ट्रेन को आना चाहिए था 4:35 को वो ट्रेन आ रहा है 5:05 को मतलब भाई ये भी ट्रेन 30 मिनट लेट यही फायदा भाई अब इसमें 1 घंटा सोने को मिलेगा बस आंख ना लग जाए वरना हम पहुंच जाएंगे अगले स्टेशन पे ओके सो फाइनली दूसरे दिन भी पहुंच गए यहाँ पे बॉयज लोग मजा करने के लिए और लाइन देखो बाहर कितनी लाइन लगी है आज बहुत फाइनल शो है और यहाँ पे शूटिंग भी चल रहा है हमारे कलवा जी का वहाँ पे हाँ दिखाओ सब लोग यहाँ पे तो भाई ये जो थप्पा है इस थप्पे के लिए बहुत मेहनत किया है काम करो ना ऊपर ही रख दो ना अबे नीचे हाँ नीचे रखो हाँ तो आज हम इसके सहारे रेमो डिसूजा जी को देखेंगे और यहाँ भी थोड़ा शूटिंग चल रहा था देखो प्रैक्टिस कर रहे हैं सब लोग कल्लू भाई आए थे यहाँ पे और कहीं तो चले गए देखिए दूसरा दिन और शाम के बस 6 बज गए कल प्रोग्राम कितने बजे स्टार्ट हुआ था 6:30 तो आज भी भाई 6:30 प्रोग्राम स्टार्ट होगा स्टेज देखो यार क्या लाइटिंग है लाइटिंग देख के मेरा दिल खुश हो गया और जो कैमरामैन यहाँ पे है देन वहाँ पे टाइमली पे भाई कम से कम 10 से 12 कैमरा यूज हो रहा है वीडियो निकालने के लिए मुझे याद है 2 साल पहले यहाँ पे आया था मैं और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग क्राउड बैठा था बहुत धूमधाम से हुआ था बीच में
देखिए फाइनली रेबेट डिसूजा हमारे सामने यहाँ पे बैठने वाले हैं और हम इसके लिए दो दिन से एक्साइटेड थे और भाई का डेढ़ महीने का प्रैक्टिस यहाँ पे देखो यार फाइनली वहाँ पे आई थिंक पैशन जो है ऑलमोस्ट कितना मीटर कितना डिस्टेंट होगा चाहेंगे जो ग्रो हो रहा है ऑलवे कितना डिस्टेंट होगा दस मीटर इस डांस जो बढ़ी जा रहा है एक बार जोरदार तालियां ऋषि के लिए भी यहां से 10 बज गया फाइनली रेमू सर रेमू डिसूजा चले गए मतलब उनका कांच गाड़ी का कांच बंद था तो मेरी आवाज पहुंच नहीं पाई। सबसे आखिरी बंदा मई था उनको बाय करने वाला और उनकी जो BMW थी फर फराट भाग गई और यहाँ पे थोड़ा फोटोशूट चल रहा है और इवेंट बस खत्म होने वाला है। विनर सब है सब विनर है भाई समझ लो सब जो मेहनत करते हैं एक लेवल मेहनत करते हैं। सो इसी चीज के पीछे हमें दो दिन लग गया था मतलब भाई पहली बात तो हम एक दिन तीन भर जगे थे उसके बाद शो के लिए गए तो रात भर जगे रहे स्टेशन पे फिर वापस आए तो एक शूट करने गए थे फिर दिन भर जगे थे दो घंटे की नींद मार के फिर वहां पे रात भर जगे और पांचवें दिन सुबह घर पे आए इसलिए दो दिन व्लॉग पूरा गायब हो गया एनर्जी नहीं बची कि मैं व्लॉग अपलोड कर पाऊँ। सो फाइनली व्लॉग आया इस व्लॉग को एंड करते और मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। बंदों ने बहुत रिहर्सल किया लेकिन थोड़ी सी कहते हैं और मेहनत की जरूरत है जो उनको अगले स्टेज पे लेके जाता बट वो जल्दी आएगा बट नहीं वो जल्दी आएगा अगले साल या किसी और इवेंट में। तो मेहनत करते रहो आगे बढ़ते रहो बाय।